अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती इटालियन ढाबा। आज हमारे किचन में आलूओं की एक झटपट और चटपटी रेसिपी बनने जा रही है। आलूओं की रेसिपी तो आप कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने इस तरह से आलू पहले कभी नहीं बनाए होंगे। इसको भी रेसिपी को आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ये नाश्ते के लिए आइडियल है। आप इसको नाश्ते में बनाएं और मज़े लेकर पराठों के साथ इंजॉय करें। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 1/2 किलो और उनको इस तरह छोटे छोटे पीसेज में काट कर जो है वो 80% जो है उनको उबाल लिया। बिल्कुल सादा, नमक कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इनको सादा उबाला है। और जो 20% है वो हम अपनी कुकिंग में पकाएंगे। इसको आज हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और चूल्हे को जलाएंगे। इसमें हम 1/2 कप बटर डालेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर खाली बटर को पकाएं तो वो जो है जल जाता है, क्योंकि उसमें पानी होता है। इसके मेल्ट होने का इंतजार करेंगे थोड़ी देर। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। 1 चाय का चम्मच जो है वो जीरा है, इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। जीरा जब अच्छा सा रोस्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया। इसके साथ हम 2 खाने के चम्मच जो है वो अनारदाना डालेंगे। इसको हमने पहले धो के साफ कर लिया और फिर डालेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1/2 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च। इसको अच्छा सा भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1/2 कप जितना। और हल्की आंच पर इसको कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। आलू हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, इसको मिक्स कर देंगे। आलू गल चुके हैं और चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम अपनी डिश को सर्व करेंगे इस छोटी सी क्यूट सी हंडिया में। ये लें जी, हमारे मज़ेदार से बटरी बटरी चटपटे आलू बनकर तैयार हैं।
अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह हो, गर्मा गर्म पराठे हो, इस तरह मजे की आलू की भुजिया बनी हो, उसके साथ गर्मा गर्म चाय का कप हो, साथ चटपटा सा अचार हो और दही का रायता हो, तो मजा ना आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप इसको अपने घर के किचन में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। और ये जो पराठे हैं, इनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनको मैंने कैसे बनाया। एंजॉय करें।